नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी को, प्रणाम। ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी म्यूट कर लीजिए, कृपया सभी म्यूट कर लीजिए। ओके, एक तो कल की क्लास के लिए बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी डाली थी मुझे, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि क्लास दोनों ही अपलोड हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एक अपलोड हुई है, क्लास दोनों ही अपलोड की गई हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पार्ट वन और पार्ट टू के नाम से दोनों क्लासेस अपलोड हुई हैं। संजीवनी को लेकर जो भी आदरणीय सदस्य परेशान है उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी किसी कारण से, और अगर क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई है तो हम क्लास दोबारा कर लेंगे। एंड अभी वो क्लास तो हमें मिल नहीं पाएगी संजीवनी वाली। तो हम समझ रहे हैं डाइकोमियो सिंबल के बारे में। तो कल हमने डाइकोमियो सिंबल के बारे में काफी कुछ चीजें समझी, आज इसकी थोड़ी और गहराई के अंदर जाते हैं। जो डाइकोमियो सिंबल के ऊपर लेटेस्ट रिसर्च हुई है उसके ऊपर जाते हैं। सबसे पहले कि ये एक आध्यात्मिक चीज है, सिंबल्स जो हैं वो 100% आध्यात्मिक चीज है। बट अध्यात्म का एक दुश्मन माना जाता है, मतलब कहा जाता है कि एक तरफ विज्ञान और एक तरफ अंधविश्वास है, बट एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। विज्ञान विहीन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है जी। तो डाइकोमियो सिंबल के बारे में, जो तिब्बतीन डाइकोमियो सिंबल है, जब हम तिब्बतीन डाइकोमियो सिंबल की बात करते हैं तो बोला जाता है जो हमारे चक्रास का जो सेंटर है, अगर एक नॉर्मल आदमी, जैसे कि एक नॉर्मल आदमी ने नॉर्मल आदमी बैठा है और एक आदमी जिसने डाइकोमियो सिंबल से हीलिंग ली है या अट्यूनमेंट ली है, तो जब दोनों व्यक्तियों को किलियन कैम में स्कैन किया जाता है, जो चक्रास का सेंटर पॉइंट होता है वहां पे हलचल देखने को मिलती है। किस प्रकार की हलचल देखने को मिलती है? ऊर्जा की हलचल देखने को मिलती है। तो इसका मतलब यह है कि डाइकोमियो सिंबल जो है चिकराज के सेंटर पे काम करता है, और वैसे भी ये एनर्जी का सेंटर है, मतलब ये आपको भी सेंटर पॉइंट बनाता है और खुद भी ये जो चक्र है ये एनर्जी का सेंटर है। जब दोनों चीजें दो सेंटर, मतलब ये आपको भी सेंटर कर रहा है और खुद भी सेंटर है, तो इट मींस कि इसका आपके उसके ऊपर क्या नाम है और बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल बैठता है इस सिंबल का। वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? ओके, बहुत बढ़िया जी। तो इसका जो है हमारे बॉडी के, हमारे जो चक्रास हैं उसके सेंटर के ऊपर कहीं ना कहीं इसकी ऊर्जाओं का प्रभाव रहता है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि साइकिक सर्जरी जिसको आप अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। साइकिक सर्जरी क्या होती है कि कुछ ऐसी बीमारियां जिनके ऊपर हीलर अपनी तरफ से, मतलब जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, इसी प्रकार से जो एक हीलर है वो सर्जरी करता है, ठीक है। डॉक्टर बॉडी के ऊपर ऑपरेशन करता है और जो हीलर होता है वो ऑरा बॉडी के ऊपर क्या नाम है ऑपरेशन करता है। तो साइकिक सर्जरी हम सीखेंगे राकू सिंबल के बाद। तो जो साइकिक सर्जरी है उसमें सबसे हाईएस्ट यूज किए जाने वाला सिंबल जो है डाइकोमियो है। कैसे डाइकोमियो है कि आपके सेह की और आपके होमचू जिशुनैन सिंबल का जो यूज है वो कहीं ना कहीं ना होके अकेले डाइकोमियो सिंबल का यूज वहां पे होने वाला है, ठीक है जी। अब कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को जो वो करते हैं, मॉन्क मेडिटेशंस करते हैं, पूर्णिमा की रात को तिब्बतीयन डाइकोमियो सिंबल से सेल्फ हीलिंग की जाती है, और वो भी खुले स्थान पर बैठ के, ठीक है जी। अगर आप तिब्बतीयन डाइकोमियो सिंबल से को डाल के, मतलब अपनी बॉडी के ऊपर हीलिंग करते हैं, तो आपको हीलिंग कैसे करनी होती है वो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे कि एक ह्यूमन की
एक ह्यूमन है मान लो, उस ह्यूमन के पास 7 चक्रास हैं, ठीक है जी। एक ह्यूमन की इमेज को आप इमेजिन करेंगे, मतलब अपनी इमेज को आप इमेजिन करेंगे चंद्रमा की रोशनी के अंदर, मतलब आपकी परछाई के ऊपर। हमारी परछाई कब बनती है? जब हम चंद्रमा की रोशनी के अंदर होती है। वो उसका क्या होता है, वो हमारा ही अक्स है, ठीक है। बट जो हमारी परछाई होती है वो हमारा ही अक्स होती है और हमारी तरह ही रिएक्ट करती है, बट दैट इज नॉट वी, वो हम खुद नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब वो शेपलेस है। हाथ की उंगली ऐसे 5 करोगे तो 5 तो दिखाई देंगी उसके अंदर, बट बॉडी जो है पूरी शेपलेस दिखाई देगी, ह्यूमन बॉडी दिखाई देगी। आप मोटे हैं तो मोटे, पतले हैं तो पतले हैं, जैसे हैं वैसे दिखाई देंगे। तो इसका मतलब होता है तिब्बतीन मेथड से इसको बोला जाता है आपकी ओरा बॉडी का अक्स। हमारा ओरा बॉडी का जो एक अक्स बनता है वो चंद्रमा की रोशनी में बनता है और सूर्य की रोशनी में बनता है, ठीक है। जिसको आप अक्स कहते हो, परछाई कहते हो, उसको तिब्बतीन लैंग्वेज में वो बोलते हैं ओरा बॉडी का मिरर इमेज। जैसे हम शीशे के सामने खड़े होके स्वयं को क्लियर देख सकते हैं, ऐसे ही सूर्य के प्रकाश में और चंद्र के प्रकाश में हम अपने ओरे के अक्स को देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग तो परछाई 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 बोलते रहते हैं हमेशा से ही, लेकिन उनका मानना ये है, बुद्धिस्ट का मानना ये है कि ये परछाई नहीं है, आपके ओरे का अक्स है। तो ओरे के अक्स के ऊपर सिंबल बनाए जाते हैं। और एक एक्स के मान लो कि अपने साथ रमेश जामरा जी खड़े हैं, रमेश जामरा जी खड़े हैं और उनकी परछाई भी दिखाई दे रही है फोटो के पीछे, इसीलिए मैंने उनको चुना है। तो उनकी वो क्या नाम है, कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको उसकी परछाई सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। परछाई सामने देखने के लिए आपको क्या करना होता है, चंद्रमा की तरफ आपका मतलब पीठ आना चाहिए, तब आप चंद्र आपको अपनी परछाई सामने दिखाई देगी। तो इसका मतलब वो चंद्र की ऊर्जा से कनेक्ट है और सामने उसको अपनी परछाई दिखाई दे रही है। तो अपनी परछाई पे उसको इमेजिन करके इस सिंबल को डालना है यहाँ पे थर्ड आई के ऊपर। जब वो इसको डाल के मेडिटेशन करने के लिए व्यक्ति बैठेगा तो उसको कुछ अद्भुत एक्सपीरियंस होंगे। जैसे कि मैंने कहा कल कि ये सुप्त चेतनाओं से संचालित चक्र है, वो सिंबल है। तो सुप्त चेतनाओं पे काम करता है। जब हम अक्स पे काम करेंगे तो अक्स पे काम कैसे करेगा कि जैसे आपका आज्ञा चक्र खुलने का अनुभव होना, मतलब बंद आंखों से सब कुछ क्लियर दिखाई देना। मान लो मैं अंधेरे में बैठा हूँ, यहाँ पे पट्टी बांधी हुई है, मेरी आंखें बंद है, बट मैं महसूस ही नहीं कर पाऊंगा कि मेरी आंखें बंद हैं और मुझे सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। और हमारी बॉडी के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, एक पावर होती है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या होता है कि हमें दिन और रात एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है जी। तो हम उस अनुभव को सिर्फ उसी मोमेंट पे फील कर सकते हैं जब हम अनंत प्रकाश में हो या हम अनंत अंधेरे में हो। और जो रोशनी अनंत अंधेरे में जो रोशनी हमें चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की रोशनी होती है, और अनंत प्रकाश में सूरज की रोशनी बाय डिफॉल्ट होती है। इन दोनों ही जगहों पे हम इस प्रकार से मतलब बंद आंखों से सब कुछ क्लियर देख सकते हैं। तो ये तब पॉसिबल होता है जब पूर्णिमा की रात होती है, तब आप इस मेडिटेशन को बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। या फिर आप कहिए कि जब आप किसी बड़ी हाई वाइब्रेशनल जगह के ऊपर बैठे हैं, लाइक इजिप्ट के पिरामिड, लाइक आपका क्या बोलते हैं उसको, कसार देवी टेम्पल, या कोई केदारनाथ मंदिर, जहाँ पे बहुत हाई कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वहां पे आप इन चीजों को बहुत आसानी से महसूस कर सकते हो, ठीक है जी। तो जिस प्रकार से इस अनुभव को कहा जाता है, जब हम इस अनुभव को कर पाते हैं अपनी लाइफ के अंदर वंस, तो इस स्टेज को बोला जाता है रियलाइजेशन स्टेट, मतलब गाइडेंस, जहाँ पे लाइक दो डायमेंशंस का मिलन होता है, वहीं पे स्टेट बनती है। अब दो डायमेंशंस का मिलन कहाँ पे हो सकता है इसको समझेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कल मैंने आपको गोल तिब्बतियन वाला सिंबल दिखाया, सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो एक संपूर्ण डाइकोमियो बनाया था उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी आपके साथ। तो समझिए, जहाँ हम अभी बैठे हैं, जहाँ पे मैं और आप अभी अपने अपने हम स्थानों पर बैठे हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे हमारे सराउंडिंग दीवारें हैं, सामने आगे पीछे दीवारें हैं, दरवाजे हैं, लाइटें हैं, नीचे फर्श हैं। बट
अगर इस डायमेंशन को चेंज मान लिया जाए, डायमेंशनल चेंज के अनुभव आपको एक हायर स्पिरिचुअल लेवल पे होते हैं या फिर स्लीप पैरालिसिस के अंदर होते हैं, जब एक बार हो सकता है कि यहाँ पे अगर कोई दूसरी डायमेंशन हो तो जंगल हो या समंदर हो या फिर कोई रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए ये घर है। ठीक है जी, डायमेंशनल की जब हम बात करते हैं तो 11th डायमेंशंस को साइंस वेरीफाई कर चुकी है। ठीक है जी, और 5th डायमेंशन तक के तो सफर भी, मतलब जिसको बोला जाता है कि सैटर्न के जो रिंग है, शनि के जो छल्ले हैं, उसको 5th डायमेंशन बोला जाता है। ठीक है जी, तो वो 5th डायमेंशन तक विज्ञान सफर भी कर चुका है, और 11th डायमेंशन बोली जाती है, और अध्यात्म में तो 108 डायमेंशन बोली गई हैं, एक ही प्लेनेट पे 108 डायमेंशन। डायमेंशन का मीनिंग आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है कि जब इससे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे। डायमेंशन का मीनिंग है 0 डायमेंशन, मतलब कोई चीज है बट वो मूव नहीं कर सकती, वो रिएक्ट करती है और वो मूविंग होती है, जैसे कि पेड़ पौधे। राइट, पेड़ पौधे जो है हमारी ही डायमेंशन का हिस्सा है, बट वो मूव नहीं कर सकते, बट वो रिएक्ट कर सकते हैं, वो रिएक्ट करते हैं एक ही जगह पे खड़े खड़े। अब हमें लगता है कि एक पेड़ 50 साल का है या 100 साल का है या 200 साल से खड़ा है या 500 साल का खड़ा है, तो वो ये हमारा मानना है, और हम सोचते हैं कि ये थकता क्यों नहीं, ये पेड़ हमेशा ही खड़ा रहता है। इसका मीनिंग होता है कि वो जो पेड़ है उसका टाइम और स्पेस अलग है, हमारा टाइम और स्पेस अलग है। ठीक है, हो सकता है जो हमारे लिए 10 मिनट है वो उसके लिए 1 साल भी हो सकता है, और वो उसके लिए हमारा 1 साल उनका क्या नाम है, 10 साल भी हो सकते हैं पेड़ के। ठीक है, फिर डायमेंशन वन आती है। डायमेंशन वन का मतलब होता है कुछ ऐसे जीव जंतु जो सीधा और उल्टा ही चलते हैं सिर्फ। ठीक है जी, जैसे चींटी हो गया, ठीक है, वो सीधा ही चलेगी या उल्टा ही चलेगी, और दूसरा कोई नहीं है, उसके पास आईज भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चल सकती है, हमारे प्लेनेट का एक्सिस उसके पास है, उसको कितनी भी ऊपर से फेंक दो उसको चोट नहीं लगेगी। अब डायमेंशन टू पे के बाद जो एक्सिस रखते हैं जीव जंतु, कुछ ऐसे भी हैं जो सारी डायमेंशन के एक्सिस रखते हैं ह्यूमन की तरह, जैसे कैट हो गई, डॉग्स हो गए, या डिफरेंट डिफरेंट क्या नाम है, सिक्स सेंस वाले जीव हो गए, ये सभी डायमेंशन का एक्सिस रखते हैं। ठीक है जी, अब डायमेंशन थ्री होती है जो आगे पीछे दाएं बाएं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो आगे पीछे दाएं बाएं देख सकते हैं लेकिन ऊपर और नीचे नहीं। फिर एक डायमेंशन बनती है जहां पे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, ऊपर नहीं देख सकते, सिर्फ नीचे ही देख सकते हैं, तो ऐसी डायमेंशन के प्राणी होते हैं। फिर उसके बाद हमारी डायमेंशन आती है ह्यूमन की, डायमेंशंस आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे और राउंड में हम लोग देख सकते हैं। फिर हमारे ऊपर जो डायमेंशंस मानी जाती हैं उन डायमेंशंस में बॉडी का एक्सिस नहीं माना जाता, कि यहाँ पे बॉडी का एक्सिस नहीं होता, एंड पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो ऊपर जाके। जहाँ पे इन सारी डायमेंशन में कोई मतलब फर्क क्या है, सबसे बड़ा सभी डायमेंशन में लिविंग प्राणी है परंतु सभी के टाइम और स्पेस अलग अलग हैं, और आध्यात्मिकता की मतलब जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी ये ब्यूटी है कि वो आपको एक ही डायमेंशन में रह के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के अनुभव करवा सकती है। ठीक है, और डाइकोमियो के सिंबल को माना जाता है कि जब आप डायमेंशन के एक्सिस आपके चेंज होते हैं, मतलब आप अवेकनिंग की तरफ मूव करते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। अब अवेकनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी गुरु के सानिध्य में हैं, अवेकनिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आप क्या नाम है बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, अवेकनिंग का कोई ऐसा मीनिंग नहीं है कि आपका पास्ट क्या प्रेजेंट क्या। अवेकनिंग का मतलब होता है जब मेरी सुप्त चेतनाएं जागने लगती हैं तो मैं कुछ ऐसे वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करने लगता हूँ कि वो चीजें ऑटोमेटिक मेरे साथ अट्रैक्ट होती हैं, मतलब अध्यात्म को लेके मेरी प्यास बढ़ती है, और जो चल रहा है दुनिया के अंदर उसके ऊपर मेरे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट। मतलब जैसे एक तड़प सी स्टार्ट हो जाएगी, अच्छा मैं शिव जी जी को जल क्यों चढ़ाऊं, कोई मेरे को लॉजिक भी दे रहा है कि इसलिए चढ़ाया जाता है जल, मैं रुद्राभिषेक क्यों करूं, कोई कहेगा इसलिए करते हैं रुद्राभिषेक, लेकिन वो व्यक्ति नहीं करेगा, उसके दिमाग में मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, मतलब नए नए सवाल जन्म लेने शुरू कर देंगे। तो ऐसे केस के अंदर आपकी आप एक अवेकनिंग के मोड पे होते हैं। लोग कह रहे होते हैं कि आप नास्तिक बन रहे हैं,
बट उल्टा कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता की ओर मूव कर रहे होते हैं उस मोमेंट पे। तो डाइकोमियो को सिंबल, और जो मैंने आपको बताया कि पूर्णिमा पे जो मेडिटेशन किया जाता है, इसका तिब्बतियन मेथड में एक बड़ा सिंपल सा यही माना जाता है कि चंद्रमा की रोशनी के अंदर हमारे डायमेंशन चेंज करने, हमारे जो डायमेंशंस होते हैं वो चंद्रमा की रोशनी के अंदर ही ज्यादा चेंज होते हैं। ठीक है, मतलब सूर्य की रोशनी की जगह चंद्रमा की ऊर्जा का उसमें यूज होता है, और डायमेंशन कहीं से भी चेंज हो सकते हैं। मतलब वैसे तो देखो, इसमें बोला जाता है कि जहाँ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो, हाई वाइब्रेशन हो, जहाँ सूरज की ऊर्जा ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टोर हो और चंद्रमा की जो ऊर्जा है उसका रिफ्लेक्शन हो उसके ऊपर, ऐसी जगहों पे डायमेंशन चेंज होते हैं। तो ऐसी जगहें तो सिर्फ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वाली होती हैं। या फिर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं कि कोई ज्वालामुखी था, धधकता हुआ, हजारों लाखों सालों के बाद वो शांत हो गया और ज्वालामुखी के अंदर बहुत सारे स्टोन्स बन गए। वो जो स्टोन्स बन गए उसमें सूर्य की एनर्जी ऑलरेडी स्टोर है, चंद्रमा का रिफ्लेक्शन पड़ेगा, तो ऐसी जगह पे आपको बहुत जल्दी डायमेंशनल चेंज के जो एक्सपीरियंस हैं वो होने लग जाएंगे। ठीक है जी, इस प्रकार से जब आप पूर्णमासी को मेडिटेशन करते हैं, तो वो जो शब्द मैं आपको बोलना चाह रहा था वो था हमारा नाइट विजन कैमरा, जिसमें दिन और रात एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है जी, जितने भी सिक्स सेंस वाले प्राणी हैं इनको सीधा नहीं दिखाई देता। लाइक आप एक डॉग का भी एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक डॉग को भी जो है वो क्लियर नहीं दिखाई देता, डॉग को दिन और रात एक जैसे दिखाई देते हैं। सांप को जो है ह्यूमन नहीं दिखाई देता, ह्यूमन की एनर्जी का एक थर्मल ओरा टाइप में दिखाई देता है सांप को, जिसको आप इंफ्रारेड बोलते हैं, या कहते हैं कि थर्मल कैमरा जो बना है वो सांप के ऊपर रिसर्च करके ही बना है। तो थर्मल मतलब वो आदमी को उसकी ऊर्जा से पहचानता है। ऐसे ही जो बिल्ली होती है वो भी सिक्स सेंस की प्राणी है, बिल्ली जो है वो उसको भी दिन और रात एक जैसे दिखाई देते हैं। तो हम उस सिक्स सेंस के दायरे में जब आते हैं कि जब हमारे लिए स्पेस टाइम और डायमेंशन चेंज हो जाए, ठीक है, वो पॉसिबल होता है जब चंद्र की ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है हमारे प्लेनेट के ऊपर, और हमारे पास कोई ऐसा सिंबल होता है जो हमारी सुप्त चेतनाओं पे काम करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो हमारी सुप्त चेतनाओं पे सबसे ज्यादा काम करने वाली दो ही चीजें हैं हमारे पास। नंबर वन पे क्या है? नंबर वन पे है कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो, और नंबर टू पे क्या है कि आपके पास डाइकोमियो जैसा कोई सिंबल हो, प्रॉपर तरीके से आप उस सिंबल के साथ अट्यून हो। तो आप इस चीज के साथ, मतलब इन दोनों चीजों के साथ एक्सेस ले सकते हो डिफरेंट चीजों का। अदरवाइज ऐसा हमारी लाइफ में वैसे कैसे हो जाता है? जब हम आध्यात्मिक तो होते हैं, हमारे पास कोई गुरु भी नहीं होता और हमारे पास कोई सवाल भी नहीं होते, कोई जवाब भी नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी आप में से बहुत सारे लोगों के ऐसे अनुभव रहते हैं कि हम लेटे हुए हैं और हमें लग रहा है कि जो मेरा शरीर अलग है और सोल अलग है, राइट? स्लीप पैरालिसिस में हम बहुत सारे अनुभव करते हैं, नींद में हम बहुत सारे अनुभव करते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, ल्यूसिड ड्रीम बोलते हैं। उसको ये नहीं बोलते कि आपका डायमेंशनल चेंज हुआ। डायमेंशनल चेंज जब लोअर लेवल पे होते हैं तो सिर्फ हम दिन और रात हमें एक जैसे दिखाई देते हैं। जब मतलब ये बहुत इजी है, मतलब आपको लग रहा होगा अभी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दिन और रात एक जैसा दिखाई देगा, ऐसा बहुत आसानी से हो सकता है। और इसके लिए जो लोग अभी हिमाचल की साइड में, सॉरी उत्तराखंड में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के पास में रहते हैं, उनको तो मैं पॉइंट ही बता दूंगा कि आप इस पॉइंट पे खड़े होके आंख बंद करो और आपको दिन और रात एक जैसे ही दिखाई देंगे। मतलब ऐसी जगहें हैं उत्तराखंड के अंदर ही हमारे, जहाँ पे ऐसे एनर्जी पॉइंट हैं जहाँ पे कि आप आंख बंद करके खड़े होगे तो आप इस चीज को बड़ी आसानी से अनुभव कर पाओगे, बहुत आसानी से। तो दूसरी चीज, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन दूसरी चीज का सबसे ज्यादा फायदा क्या है हमें अगर हम ऐसी किसी चीज को अनुभव करते हैं? ऐसी चीज, किसी भी चीज को अनुभव करने के बाद जितने भी प्रकार के जीव हैं, मतलब सिक्स सेंस के प्राणी हैं, सिक्स सेंस के वैसे बहुत सारे प्राणी हैं, लेकिन जो टॉप 10 हैं जो ह्यूमन के संपर्क में रहते हैं, जैसे हाथी हो गया, चींटी हो गई, आपका बिल्ली हो गई, डॉग हो गया, ऐसे जो प्राणी हैं हमारे, इन प्राणियों के साथ आप इनकी लैंग्वेज को समझना और डिकोड करना शुरू कर देते हो। ठीक है जी, आपको पता है कि आप जमीन पे हाथ रख के इस बात की प्रेडिक्शन कर सकते हो कि जमीन के नीचे क्या चल रहा है। ठीक है, अभी तक आपने जमीन का साउंड नहीं सुना होगा कभी,
कि जमीन का साउंड क्या होता है, जमीन के नीचे क्या कुछ चल रहा है, और ना ही आप आने वाली घटनाओं के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को ऐसे करते हैं जैसे मैंने बताया, पूर्णमासी की रात को आप डाइकोमियों का सिंबल अपनी अक्स पे डाल के और मेडिटेशन करते हैं और आप जमीन पे हाथ रखते हैं, तो आप नहीं, आपकी सुप्त चेतनाएं आपको गाइडेंस देती हैं। ऐसे ही मोमेंट पे जैसे आपने सुना होगा एंजल्स के बारे में, बहुत कुछ सुना होगा कि एंजल्स होते हैं, ठीक है। वैसे एंजल जो है वो पूरा टोटली क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट में इसको देवदूत बोला जाता है। तो एंजल्स होते हैं, देवदूत होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मतलब विदाउट बॉडी के लोग होते हैं जो हमसे कम्युनिकेशन करते हैं, जिसको दूसरी लैंग्वेज में हम स्पिरिट वर्ल्ड भी बोलते हैं, ठीक है जी। परंतु ऐसा कुछ नहीं होता, प्रमोटेड सोल्स होती हैं। प्रमोटेड सोल्स मतलब जिन जो जैसे हमारे सनातन में बताया गया है कि समाधि ले ली किसी व्यक्ति ने, ठीक है। संत कबीर हो गए जैसे, आपके गुरु नानक देव जी हो गए जैसे, ऐसे जो बड़े बड़े नाम हैं, जो प्रमोटेड सोल्स हैं, ये हैं तो है ना, तभी तो इनका वाइब्रेशन है। अगर ये हो ही ना तो इनका वाइब्रेशन हो ही ना। तो इनके होने का एहसास आप ऐसी जगहों मतलब ऐसे मेडिटेशन के अंदर महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे आप गाइडेंस ले, यहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है। अब लोग इनको एंजल का नाम देते हैं, या स्प्रिट का नाम देते हैं, या फिर देवदूत का नाम देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों का नाम देते हैं। परंतु हर जगह पे मैं नहीं कह सकता कि आप इन चीजों के वाइब्रेशन को पकड़ सकते हैं, बट हाँ जहाँ हाईली कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वहां पे, और जो एनर्जी पॉइंट्स हैं हमारे, वहां पे आप इन चीजों का वाइब्रेशन मतलब प्रॉपर तरीके से ले सकते हो। जैसे कि आप गुरुद्वारे के अंदर बैठे हो, सेंटर में, किसी गुरुद्वारे के अंदर बैठे हो, सेंटर के अंदर, और वहां पे आप इस चीज को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो यस आप इस एनर्जी का प्रॉपर अनुभव ले सकते हो। एक व्यक्ति जिसके पास आंखें भी नहीं है, मतलब जिसने कभी अपनी जिंदगी में देखा भी नहीं, उस चीज उस व्यक्ति ने भी इन चीजों का प्रॉपर अनुभव हमारी आंखों के सामने लिया है कि उसको सब कुछ दिन और रात एक जैसा दिखाई देने लगा। एक्चुअल में इसमें आपको आंखों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, मतलब यहाँ पे आईज का रोल ही नहीं है। यहाँ पे हम जिससे देखते हैं उसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है, और दिव्य दृष्टि का अनुभव जो है वो सिर्फ इस तिब्बतियन मेथड के अकॉर्डिंग इस सिंबल के द्वारा आप बहुत आसानी से ले सकते हो। होता क्या है कि हमें दिव्य दृष्टि का अनुभव देखने को मिल जाता है, जिसके लिए लोग सालों साल या जिंदगी भर तपस्या में लगे रहते हैं, या फिर पैसा खर्चा करता रहते हैं कि हमें नहीं मतलब ये चीज देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्लियर बताता हूँ, दिव्य दृष्टि का अनुभव हम सबके, दिव्य दृष्टि हम सबके पास है आज्ञा चक्र के रूप में। जो हमारा छठा चक्र है वो आज्ञा चक्र है, और छठा चक्र जो है वो दिव्य दृष्टि के अनुभव को करवाता है, ठीक है। वो यहाँ पे भी मतलब नॉर्मल लाइफ के अंदर भी आपको बहुत सारे अनुभव करवाता है। जो भी आपको इंट्यूशन पावर्स आती हैं, जो भी आपको फ्यूचर की प्रेडिक्शंस आती हैं, जितने भी लोग मतलब एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रेकी हीलर्स हैं, आप दूसरों से तो अलग ही हैं, कुछ घटनाएं तो आपको पहले से ही पता लगती हैं नॉर्मल से अलग। एक कॉमन मैन होता है और एक होता है हीलर, उनमें कुछ डिफरेंट तो होती है। अब जो अटूनमेंट वगैरह आप लेते हो, सारी की सारी कहीं ना कहीं आपकी सुप्त चेतनाओं में ही काउंट होती हैं, हमारी चेतना में ही है ये चीजें, और हमारे सुप्त चेतनाओं के अंदर हम इनको कैरी करते हैं। लेकिन जब जरूरत होती है, जो एक्सरसाइज करता है वो यूज करता है इस चीज को। मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप में से कोई व्यक्ति एस्ट्रोलजर है और उसको एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है, एस्ट्रोलजर है उसको एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है, मोटी मोटी चीजें उसको पता है, लेकिन वो 15 साल से एस्ट्रोलजर है या 20 साल से एस्ट्रोलजर है, उसकी प्रिडिक्शन गलत नहीं हो सकती, ठीक है जी। चाहे उसको एस्ट्रोलजी नहीं आती है, फिर भी उसकी प्रिडिक्शन गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने दिव्य दृष्टि के माध्यम से कर रहा है, और जो वो सोच के बैठा होगा वो कभी वो बोल ही नहीं पाएगा, स्क्रिप्टेड नहीं होगा वो आदमी। और जो स्क्रिप्टेड नहीं है तो मतलब वो व्यक्ति अपनी दिव्य दृष्टि से काम कर रहा है, मतलब जो मैंने पढ़ा मैं सिर्फ वही अगर आपको नहीं बोल रहा, ठीक है, तो इसका मतलब मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसमें कोई गाइडेंस शामिल है, उसमें कोई ना कोई चीज जो है वो मिक्स है, जो कि बहुत
काम करती है, और हम में से 60 से 70% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो हम दिव्य दृष्टि का यूज तो अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर भी करते हैं। अब डाइकोमियों का सफर जहां पे हुआ वहां पे आपको पता लगा होगा कि स्पिरिचुअलिटी में एक लेवल हाई बनता है यहाँ पे, मतलब अध्यात्म में। हम अभी तक हम रेकी कर रहे थे तो इलाज ढूंढ रहे हैं चीजों का या दूसरी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आप डाइकोमियों पे आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक लेवल अप जा रहे हैं हम। इसीलिए मैंने कहा कि ये गुरु सिंबल है, इसीलिए मैंने कहा कि ये सिंबल बदलाव लेके आता है हमारे जीवन के अंदर। और ये सिंबल सेंटर है, ठीक है जी, हमें सेंटर में फिक्स करता है, और ये सिंबल हमें जिम्मेदारियों के साथ जोड़ता है। और अगर कोई मुझे जिम्मेदारी देगा तो मुझे जिम्मेदारी कैसे देगा, अगर हम साइंटिफिक वे के अंदर समझें कि अगर मैंने आपको अपने ऑफिस में बिठाया और ये कहा जी ये 10 चीजें हैं जो आपको करनी है, इन 10 लोगों से काम करवाना है, तो मैंने उन 10 लोगों से काम करवाने की पावर आपको दी ना, अब आप उनको डांट भी लगाओगे, आप उनसे प्यार से भी काम करवाओगे, आप उनके ऊपर खर्चा भी करोगे, जैसे भी आप काम करोगे उन 10 लोगों के साथ काम करोगे, मतलब एक पावर भी आपके साथ जुड़ती है जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ती है। और जब कोई पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉम्बिनेशन को समझता है तब वो आध्यात्मिक उन्नति करता है अपने जीवन के अंदर। तो जब डाइकोमियो सिंबल के मेडिटेशन के अंदर आप घुसेंगे तो आपको कुछ अपने चक्रास के अंदर राउंड 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 वाइब्रेशन फील होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज ऊपर आ रही है या कोई चीज नीचे जा रही है जैसे लोगों को अनुभव होता है, ऐसा कोई अनुभव आपको नहीं होने वाला। अनुभव ऐसे होंगे कि हमारे चक्रास के बीच में कोई ड्रिलिंग हो रही है, मतलब कुछ हमारे चक्रास के बीच में क्या हो रहा है, मान लो कोई एनर्जी के अंदर कोई एनर्जी मिक्स हो रही है। ऐसी सेंसेशन उन व्यक्तियों को होती है जिनको आज से पहले कभी सेंसेशन महसूस नहीं हुई होगी। जो व्यक्ति कहते हैं कि मेडिटेशन में बहुत नए हैं और हमें अभी तक कोई ऐसी सेंसेशन महसूस नहीं हुई है, ऐसे व्यक्तियों को भी डाइकोमियो के अटूनमेंट के टाइम पे सेंसेशन महसूस होती है। और ये सेंसेशन क्या कहती है, सेंसेशन कहती है कि अभी जो सिस्टम है आपकी बॉडी का, आपकी ऑरा बॉडी का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर यू आर नॉट एलोन, मतलब आप अकेले नहीं है उसके अंदर, यूनिवर्स की एक लाइट आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ चुकी है, और वो लाइट आपसे कुछ चीजें परफॉर्म करवाती हैं। अब यहाँ पे आपके अंदर एक चीज और आएगी कि जिस मोमेंट पे आप डाइकोमियो के सिंबल को अट्यून करते हैं, ठीक है जी, उस मोमेंट पे यू कैन टॉक विद ट्रीज, यू कैन टॉक विद डॉग्स, आइदर स्ट्रीट डॉग्स, और सिक्स सेंस से रिलेटेड किसी भी जीव जंतु के साथ आप बात करना शुरू कीजिए, आप मैसेजेस रिसीव करना शुरू कर देंगे। मतलब आप जीव जंतुओं को देख के भी प्रेडिक्शन करनी स्टार्ट कर देंगे, ये आपकी सुप्त चेतना का एक हिस्सा बनता है। बहुत सारे लोग हैं, नोएडा में एक व्यक्ति हैं, वो बिल्लियों को देख के, बिल्लियों से बात करते रहते हैं, बिल्लियों को देख के प्रेडिक्शन करते हैं। कोई व्यक्ति डॉग्स के साथ, डॉग से मैसेज रिसीव करता है, ठीक है जी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब ये सच नहीं है, उनकी बातें सच होती हैं, परंतु होता क्या है कि उन्होंने एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर लिया अपना, ठीक है जी। और सिर्फ कम्युनिकेशन आपका स्टेब्लिश हो सकता है, पशु तो है परंतु कौन से पशु हैं जिनके पास जो सिक्स सेंस का एक्सिस रखते हैं, ठीक है जी, जो सिक्स सेंस का एक्सिस रखते हैं, उन पशुओं में और हम में क्या कॉमन है, ठीक है, उनमें सिर्फ उनमें और हम में एक ही चीज कॉमन है, दैट इज कॉल्ड इमोशन, ठीक है। अब डॉग के मालिक को कुछ होता है तो डॉग रोता है, हाथी के मालिक को कुछ होता है तो हाथी भी रोता है, राइट, बिल्ली के मालिक को कुछ होता है तो बिल्ली भी रोती है, ठीक है। चूहे पे आपने एक्सपेरिमेंट किया नहीं होगा, चूहे को साइंस ने इतना क्रिटिसाइज कर दिया है कि वो वैसे ही रोता है, आदमी को देख के ही रोता है वो, कि भैया ये आदमी है कहीं तो कुछ ना कुछ मेरे लिए जुगाड़ लगा के ही बैठा होगा। वो भी वफादार होते हैं, उनके अंदर भी इमोशंस होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो सिक्स सेंस को कैरी करते हैं और इमोशन को भी कैरी करते हैं, इनके साथ हमारा संवाद सेटल हो जाता है जब हम डाइकोमियो सिंबल की सही पावर का यूज करने लगते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये सिक्स सेंस के प्राणियों का काम क्या है, ठीक है जी, अब आप समझिए कि विज्ञान ने उस जमाने में सिक्स सेंस के प्राणियों को समझ लिया था जिस जमाने में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। समुद्री जहाज पे एक कहावत बोली जाती है
कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे दौड़ लगाते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे दौड़ लगाते हैं। अब चूहे कोई पागल है, जब उनके पास कोई शक्ति है, उनको पता है कि डूबने वाला ही है, तो बेचारे दौड़ नहीं लगाएंगे क्या? जब आपको पता ही हो और समय से पहले ही पता लग जाए कि घटना होने वाली है, तो आप दौड़ नहीं लगाओगे। तो उनके पास ऐसे सिक्स सेंस की शक्ति है कि जमीन के नीचे क्या चल रहा है, पानी के नीचे क्या चल रहा है, हवा के अंदर क्या चल रहा है, जिसको आप बोलते हैं कि अपनी चेतना को उस लेवल पे ले जाना जहाँ पे आप प्रकृति के साउंड को सुन सकें। प्रकृति के साउंड को सुनने के लिए अभी जितना हम सुनते हैं ना, दैट इज वेरी लिमिटेड। साउंड बहुत तेज है क्योंकि तो हमारा डायमेंशन अलग है, इस वजह से हम उस साउंड को महसूस नहीं कर पाते या उस साउंड के एक्सिस को हम नहीं ग्रैप कर पाते। लेकिन अगर हम सेम डायमेंशन में बैठ के मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जमीन पे हाथ रखोगे आप, तो आप जमीन के नीचे के वाइब्रेशन को सुनकर शायद डर जाओगे कि इतना कुछ नीचे चल रहा है क्या, मतलब जमीन के नीचे इतना कुछ चल रहा है जो हमें स्टेबल दिखाई दे रही है, जहां हमें लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम शांत माहौल है बिल्कुल, वहां पे भी आप हाई वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा, पूर्णमासी की रात को, कभी भी पूर्णिमा की रात को या अमावस की रात को, इन ये दोनों हाई वाइब्रेशनल नाइट्स होती हैं, आपको मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन करते हो जो आपकी हथेली है लेफ्ट हैंड की, जो हमारा लेफ्ट हैंड है, इसको जमीन पे टिका देना है पूरा, मतलब आपके जितने भी फिंगरप्रिंट हैं, हथेली है, वो जमीन से चिपकी हुई होनी चाहिए। और आप आंख बंद करके मेडिटेशन करते रहो, जो साउंड आप सुनने वाले हो वो आपने कभी कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा, मतलब आप कहोगे इतना तेज साउंड। और अब आप एक साइंटिफिकली अगर इस बात को समझो कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आपका प्लेनेट कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रहा है, और अगर वो घूम रहा है तो साउंड नहीं होगा क्या, और उसके ऊपर कितना कंटेंट है और कितनी एनर्जियां है उसके अंदर, तो साउंड नहीं होगा क्या? लेकिन हमने कभी सुना नहीं। लेकिन अगर उस साउंड को आप सुनते हो तो उसका डायरेक्ट असर आपको अपनी नाभि पे देखने को मिलेगा। जैसे ही आप उस साउंड को देखते हो, उसका डायरेक्ट असर आपको आपकी बॉडी के सेंटर पॉइंट पे देखने को मिल जाएगा, आपकी नाभि पे हाई वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। और आपको बता देते हैं, जिन्होंने द अल्केमिस्ट पढ़ी हो या ड्रीम डिकोडिंग के बारे में आप जानते हैं कि ड्रीम्स को कैसे डिकोड किया जाता है, या इंट्यूशन को कैसे डिकोड किया जाता है, या आदि मानव के टाइम के इतिहास की बात करते हो, तो वो सब लोग जमीन के साउंड को पकड़ के प्रेडिक्शन भी किया करते थे और अपनी नाभि को बैलेंस भी किया करते थे। जिन लोगों की नाभि बैलेंस नहीं होती है, मतलब घूमते रहते हैं ना नाभि बैलेंस करवाने के लिए लोग, जिनकी नाभि गिर जाती है, नाभि बैलेंस नहीं होती है, ऑटोमेटिक आपकी प्रकृति के अंदर जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा कंटेंट आपकी बॉडी रिसीव करती है उस वाइब्रेशन के द्वारा, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको हथेली को जमीन पे चिपका लेना है। एक तो चीज हो गई है। अब सेकंड समझिए, जितने भी लोगों को आज तक खजाना सोने की इंट्यूशन मिली है कि जी यहाँ खजाना होता है, यहाँ सोना होता है, सुना होगा आप लोगों ने, कुछ लोग पागल ही हो जाते हैं कि जी ये जमीन के अंदर कुछ ना कुछ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ दबा हुआ है, और आई एम श्योर कि यहाँ पे कुछ है, और सारी की सारी इंट्यूशन लोग पहले जमाने में ऐसे ही निकाला करते थे, इसी तरीके से निकाला करते थे। तब आप समझिए कि जो सिंबल आपकी सुप्त चेतनाओं को प्राकृति के भीतर से जोड़ दे, वो सिंबल कितना पावरफुल होगा। और जो सिक्स सेंस के प्राणी हैं हमारे प्लेनेट के ऊपर, जितने भी सिक्स सेंस के प्राणी हैं, उनके साथ हमारा एक संवाद काउंट कर दें। अब आप बताइए, एक ट्रेन कितने किलोमीटर दूर से आ रही हो कि आपको पता चल जाएगा? 5 किलोमीटर दूर से या 10 किलोमीटर दूर से, इतना ही कह सकते हैं ना हम। और एक हाथी से पूछो कि एक ट्रेन कितने किलोमीटर दूर से आ रही है, उसको पता लग जाएगा। हाथी को ट्रेन का साउंड सुनाई देता रहता है क्योंकि 500 किलोमीटर तक की रेंज है उसकी। ठीक है, अगर आपने पक्षी पंचतंत्र पढ़ा है और डाइकोमियो का सिंबल पक्षी पंचतंत्र में यूज किया जाता है, अगर आपने पक्षी पंचतंत्र पढ़ा है तो आपको मैं बता देता हूं, मौसम का कोई जानकार नहीं है इस दुनिया के अंदर। ठीक है जी, मौसम कब बदलता है किसी को नहीं पता चलता, लेकिन पक्षी पंचतंत्र को क्या बोला जाता है? पक्षी पंचतंत्र को बोला जाता है कि यस, पक्षी पंचतंत्र
जिस व्यक्ति को आता है वो मौसम का जानकार होता है। पुराने जमाने में मौसम की जानकारी किससे मिलती थी? पक्षियों के पैटर्न से, जितने भी पक्षी उड़ते हैं, जो अपना स्थान बदलते हैं, सीजन्स की जानकारी कैसे बनाई गई, मौसम की जानकारी कैसे बनाई गई, पैटर्न्स कैसे पकड़े गए पक्षियों के द्वारा। और पक्षियों में भी सिक्स सेंस होती है, और ह्यूमन कभी पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करता, आज का ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं करता। जब आप उन पैटर्न्स की ब्रेक करने की बात करो, उन पक्षियों की तरफ देखना शुरू करोगे और आपकी सुप्त चेतना जागृत है, तो आप बहुत सारे पैटर्न्स को ब्रेक करना शुरू कर दोगे, बहुत सारे पैटर्न्स को। मतलब इट्स ऑल अबाउट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ टू। मतलब ये सिंबल आपकी हेल्थ के लिए तो है ही है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी है, परंतु ये सिंबल आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरा इम्पोर्टेंट है। और ये सिंबल में आप अकेले तो कभी हो ही नहीं सकते। जब आपको गुरु की उपाधि मिलेगी तो गुरु के एक्सिस भी मिलेंगे बहुत सारे, तो बहुत सारे एक्सिस ऐसे आपके साथ बाय डिफॉल्ट ही जुड़ गए, जिनके बारे में आपने इससे पहले कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होता है क्या, ऐसा हो भी सकता है। मैं कहता हूँ जी शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता। मेरे लिए जो चीज़ यस है वो आपके लिए नो भी हो सकती है, इसलिए आप अपना एक्सपेरिमेंट करो, आप अपना अनुभव करो। जब आप अपना एक्सपेरिमेंट और अनुभव करोगे तब आपको क्लियर पता लगेगा जवाब क्या है, कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। और ये बहुत आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि आप मतलब शायद आपको लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है। क्लास खत्म होने के बाद ही 10 मिनट जमीन पे आंख बंद करके हाथ रख के बैठ जाना, पूर्णिमा बहुत पास है हमारे, ठीक है जी, वाइब्रेशन आप आज ही ऑब्जर्व कर लोगे, मतलब बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर लोगे। और ये सारी चीजें हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अंदर पता होनी चाहिए, आज की डेट के अंदर हमें पता होना चाहिए कि क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा। अगर बिल्ली आपके पास आ रही है और आप एक हीलर हो, आप इस बात का मतलब नहीं जानते कि बिल्ली मेरे पास क्यों आ रही है, या बिल्ली एक पर्टिकुलर घर के अंदर क्यों आ रही है, तो फिर आप गलत हीलर हैं। एक डॉग अगर आपके पास है और आपके घर के अंदर चीजें ठीक नहीं चल रही हैं और आपको नहीं पता, आप किसी और प्रेम प्यार मोहब्बत में डूबे हुए उस डॉग के साथ, और आपको नहीं पता कि ये डॉग क्या करना चाह रहा है या आपको क्या संदेश देना चाह रहा है, तो आप एक गलत हीलर हैं। आप अपने सुप्त चेतनाओं का यूज नहीं कर पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहता है, ठीक है जी। तो हर सिक्स सेंस का प्राणी आपके साथ कंडीशनली होता है, किसी ना किसी मैसेज के द्वारा पे आपके साथ जुड़ता है, ठीक है जी। बिना मैसेज के वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। जिन घरों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, सुन, ऐसे घर होते हैं ना जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, सारा दिन चीखते रहते हैं लोग, देखना पीछे से दरवाजे से बिल्ली उन्हीं के घर आती है, ठीक है जी। सामने से नहीं आएगी, पीछे के दरवाजे से बिल्ली उन्हीं के घर आती है, और वो बिल्ली के पैटर्न को कभी ब्रेक नहीं कर पाते, और बिल्ली को दूध ही पिलाते रहेंगे, ठीक है जी। उनको लगेगा कि हम बिल्ली को दूध पिला रहे हैं, बिल्ली या बिल्ली दूध चोरी करने आ रही है, ऐसा नहीं है। जब आप हीलर बनते हैं और सिक्स सेंस के प्राणी जितने भी होते हैं, आप इनके मैसेजों को डिकोड करते हैं, तब आपको पता लगता है बिल्ली ने आपके घर पे किसी बच्चे को जन्म दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अध्यात्म और अंधविश्वास नहीं है, यहाँ पे सिक्स सेंस वाले प्राणी की बात है, तो आप उसको क्या मान के चल रहे हो, अच्छा या खराब? लोग खराब मानते हैं, भगाते हैं या लालच करते हैं, बट अगर आप उसके मीनिंग को डिकोड करोगे तो आप पाओगे कि आपके घर पे बहुत सारी चीजें हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि डाइकोमियो के सिंबल की अटूनमेंट के साथ अगर आप इसकी पावर का मजा लेना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं रियल में इसकी पावर्स को यूज करूं, तो आपको जीव जंतुओं के साथ खुद को थोड़ा सा एंगेज करना पड़ेगा। गायें तो आप लोगों ने देखी होंगी, सबने गायें देखी है ना, गाय बहुत शरीफ जानवर है, गाय खाती है पीती है मस्त रहती है, लेकिन पता है कि गाय ने अगर कभी पूरा एक राउंड ले लिया किसी के घर के अंदर, गोल घूम गई ऐसे पूरी, तो क्या होगा उस घर में? डेथ फिक्स होती है उस मोमेंट के ऊपर, बिल्कुल फिक्स, ठीक है जी। गाय हाफ राउंड लेती है, कभी गाय फुल राउंड नहीं लेती है, गाय इधर जाएगी इधर से वापस इधर आ जाएगी। गाय जितना हाफ राउंड लेगी उतना वो आपको मैसेज दे रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ बिल्कुल सही है। जहां गाय ने राउंड बड़े किए वहां पे उस घर के अंदर कोई ना कोई खबर बीमारी की आपको समझ में आने लग जाती है कि यहाँ पे कोई बीमारी है इस घर के अंदर, और जहां गाय ने फुल राउंड लिया वहां पे आप समझ जाइए काम हो गया। तो ये जो
पैटर्न्स हैं, ये एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में नहीं पढ़ाए जाते, ये खुद डिकोड किए जाते हैं। मतलब ये सारे के सारे पैटर्न आपको डिकोड करने हैं, क्योंकि आपके पास सुप्त चेतना, आपकी सुप्त चेतना जागृत है। अगर आपकी सुप्त चेतना जागृत है और आप इन पैटर्न्स के ऊपर गौर नहीं कर रहे, ठीक है जी, सवाल नहीं कर रहे, डिकोड नहीं कर रहे, तो फिर आप इस सिंबल का जो प्रॉपर यूज है ना, जो भी रेकी के अंदर हो रहा है, भारत या दूसरी कंट्रियों के अंदर, वो मैं कहता हूं कि 2% भी नहीं हो रहा इस सिंबल का यूज। डाइकोमियो का जो यूज है वो 2% भी नहीं हो रहा, अगर सिर्फ हेल्थ पर्पज से या प्रॉस्पेरिटी पर्पज से इस सिंबल का यूज कर रहे हैं लोग, कि शरीर ठीक हो जाए या फिर प्रॉस्पेरिटी, मतलब पैसा वैसा आ जाए, रुके हुए काम बन जाए ना, इस सिंबल का मेजर यूज है आपकी आध्यात्मिक उन्नति के अंदर। मतलब आप कितना आध्यात्मिक उन्नत होना चाहते हैं, आप कितने आध्यात्मिक आगे बढ़ना चाहते हैं। साउंड हीलिंग करते हैं कुछ लोग, साउंड हीलिंग के अंदर डाइकोमियो सिंबल का रोल बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये सभी प्रकार के साउंड्स को पहचानने में, फिल्टर करने में काम करता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑरा बॉडी के ऊपर, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर ट्रेवल करता है ये सिंबल। मान लो हमारी ऑरा 7 बॉडी हैं, तो 7 बॉडी की फ्रिक्वेंसी तो डिफरेंट होंगी ना, उनकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिफरेंट काम करेगा। तो साउंड हीलिंग और डाइकोमियो सिंबल का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त काम करता है, बहुत ही जबरदस्त। अब साउंड कहाँ पे है, जैसे कहते हैं कि कण कण में भगवान है, ऐसे ही साउंड एवरीवेयर है, हमारे भीतर, हमारे बाहर, मिट्टी में, पानी में, हवा में, आकाश में, हर जगह पे साउंड ही साउंड है, राइट? तो साउंड के साथ इस सिंबल का बड़ा जबरदस्त रिलेशन है, तो आप साउंड हीलिंग में भी इस सिंबल को बहुत जबरदस्त तरीके के साथ यूज कर सकते हो। असल में प्रॉब्लम क्या है, बड़ी प्रॉब्लम कुछ और है। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे आजकल सब कुछ फास्ट फास्ट होता है। मतलब अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मैं आपको तुरंत फोन मिला दूंगा, ठीक है, और आप फोन नहीं उठाओगे तो मैं आपको डांट भी लगा दूंगा कि मेरा फोन क्यों नहीं उठाया आपने, ठीक है जी। ये जो सिंबल्स के ऊपर काम होते हैं, जो रियल तरीके से हीलिंग होती है, एक व्यक्ति पे 40 से 45 मिनट लगते हैं, काम करती है, ठीक है। अब अगर मेरे पास 50 केस हो और एक व्यक्ति पे मेरे को 40 45 मिनट देने हैं, तो आप समझो कि मैं एक दिन में कितने लोगों की हीलिंग कर पाऊंगा, नहीं हो पाता, ठीक है। और हम फटाफट वाले काम निपटाते हैं, अपना भाव मिलाते हैं बीच के अंदर, भगवान इसका अच्छा कर, भगवान इसका भला कर, सब कुछ ठीक ठाक हो और निपटाओ काम, हो गई जी हीलिंग डन। देखते हो ना, आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज आता है कि इधर फोटो डाली और नीचे 2 हाथ आ गए, डन जी हीलिंग हो गई, तो मेरे को हंसी आती है कि इतनी जल्दी हीलिंग कैसे हो गई, ठीक है। 15 मिनट तो कम से कम लगते ही हैं एक व्यक्ति के ऊपर, मतलब 15 मिनट तो आप मिनिमम मान लो। और मैं ऐसे अच्छे हीलर्स को जानता हूँ, हमारे मास्टर ग्रुप में है, जो एक व्यक्ति पे 40 40 45 45 मिनट लगाते हैं, तभी बॉडी से सिस्ट गायब हो सकती है। ऐसे गायब नहीं हो सकती सिस्ट कि 2 मिनट आपने किसी की हीलिंग करी है, 4 मिनट सिंबल के ऊपर सब कुछ डाल दिया कि सिंबल काम करेगा, मैंने सिंबल के ट्रीटमेंट रखी है, नहीं। बहुत ही ईमानदारी से आपको काम करना पड़ता है। जब आप ईमानदारी से काम करते हो ना, तो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें आपकी, जैसे बाबा की पोटली होती है ना, पीछे पोटली लेके बाबा चलते हैं, तो ये सब चीजें आपकी पोटली के अंदर होती हैं। उस टाइम पे ये सब चीजें आपकी कुंजी होती है, आपके अनुभव होते हैं, इसलिए आप बहुत श्योरिटी से सारे काम कर पाते हैं उस मोमेंट के ऊपर। बहुत ही श्योरिटी के साथ आप उस वक्त सारे काम कर लेते हैं जब आपको ये पता होता है कि हाँ जी, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। और मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ कि जब आप एक व्यक्ति पे थोड़ा टाइम दे रहे हैं, 30 मिनट 40 मिनट, उसी मोमेंट पे तो वो व्यक्ति असर देख पाएगा, उसी मोमेंट पे तो आप खुद भी पर्सनल कन्वेंस होगे कि हाँ ये चीज ऐसे काम करते हैं। जब एक सिंबल को समझने में हमें 2 घंटे या 4 घंटे लग रहे हैं और सिंबल के मल्टीपल फीचर्स हैं, ये तो क्लियर है कि सबको सारी बात मेरी याद नहीं रहेगी, 40% बात याद रहेगी, राइट? ये तो क्लियर है ना। तो 40% आपको अभी याद रहनी है और 2 4 दिन बाद ये 20% हो जानी है, इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन आंसर साथ के साथ निपटा लेंगे अब डाइकोमियो के बाद, नहीं तो वो 10% रहेगी तो फिर मेरे को सारे आप क्वेश्चन आंसर मेरे क्लास रिपीट करवाई लोगे पूरी की पूरी। तो होता क्या है कि हमें चीजें पहले ही कम याद रहती है, लेकिन जब हम, हमारे कुछ अनुभव होने लगते हैं पर्सनल लेवल के ऊपर,
जब हमारे अनुभव होंगे तो चीजें हमारी परमानेंट मेमोरी के अंदर ही होंगी, और अगर मेरे अनुभव नहीं होंगे तो चीजें मेरी परमानेंट मेमोरी के अंदर नहीं हो सकती। और परमानेंट मेमोरी के अंदर चीजों को लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत तो गहराई से करनी पड़ती है, मतलब थोड़ा गहरा जाके ही करनी पड़ती है। अदरवाइज आप मेडिसिन वर्सेस हीलिंग कर दो, ठीक है जी, मेडिसिन वर्सेस हीलिंग कर दो, एक्सीडेंटल केस नहीं होना चाहिए, हीलिंग पक्का ठीक करती है बड़ी से बड़ी चीजों में। अब आप जब ये कहते हो ना भौतिक वर्ल्ड की चीजें, पैसे नहीं आ रहे, नौकरी नहीं लग रही, या फिर क्या नाम है, प्लाट नहीं बिक रहा, जमीन नहीं बिक रही, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, भौतिक वर्ल्ड की चीजें, पति से परेशान, पत्नी से परेशान, बच्चों से परेशान, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, इन चीजों पे हीलिंग के काम करने के जो मेथड हैं दैट इज डिफरेंट। अगर आप शारीरिक रूप से बात कर रहे हो कि किसी व्यक्ति को शरीर से परेशानी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो क्योर नहीं हो रही है, वहां पे हीलिंग 100% काम करती है, ठीक है जी। तो फर्क समझिएगा, अब एक डॉक्टर दिल का है, एक आंख का है, एक कान का है, सब डॉक्टर अलग अलग हैं आज की डेट में, ठीक है। और एक होता है फिजिशियन, चलो भाई जो आ रहा है ओवरऑल देख लेंगे आप लोगों को, जो आपका फैमिली डॉक्टर होता है। परंतु अब आप फैमिली डॉक्टर को कह रहे हो कि मेरी फैमिली की काउंसलिंग भी कर भाई, देखिए मेरी मैरिज में भी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी जॉब भी नहीं लग रही है, आप उस फैमिली डॉक्टर से सारे काम करवाने लग जाओ तो फैमिली डॉक्टर फेल हो जाएगा। ऐसे ही बिहेवियर हमारा जो है वो एग्जैक्टली रेकी के साथ है, और भी सारी जो हीलिंग मोडेलिटीज हैं उनके साथ जो हमारा बिहेवियर है वो कुछ ऐसा ही है, और ये बिल्कुल भी बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये एक कड़वा सच है अध्यात्म का आज की डेट के अंदर, कि हम चाहते हैं इससे मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। जबकि अगर आप रेकी के ओरिजिनल मीनिंग को समझते हो तो यूनिवर्सल ऊर्जा है, और विचार को जब आप समझते हो तो विचार एक फ्रिक्वेंसी पे ट्रेवल करता है, ऐसा ही होता है ना, विचार एक फ्रिक्वेंसी पे ट्रेवल करता है, और ये एक यूनिवर्सल ऊर्जा है। ऑरा बॉडी के अंदर जितनी भी ऊर्जाएं पाई जाती हैं हमारी, ऑरा बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट वो ऊर्जाएं डिफरेंट कलर से बनती हैं, रेकी के अंदर वो सारी की सारी ऊर्जाएं बराबर की पाई जाती है, तो ये हेल्थ पे तो आपको 100% रिजल्ट देती है रेकी, ठीक है। लेकिन जो हम बाकी चीजें इसके अंदर मिला के रिजल्ट ढूंढ रहे होते हैं ना, वहां पे फिर थोड़ी गड़बड़ होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले ना जब किसी की हीलिंग करनी होगी, अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा, तो पहले कैटेगराइज कर लेना कि आपको कौन सा सिंबल कहाँ यूज करना और कहाँ यूज नहीं करना। मान लो किसी ने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम लाए, तो आपको डाइकोमियो सिंबल और ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ सेहेकी को रखना, जो एक सिंबल है सिर्फ उसी सिंबल को रखना और वही काम करेगा। और मान लो आप लेके आते हो क्या नाम है, किसी प्रेग्नेंट लेडी का केस, ठीक है जी, तो वहां पे सिर्फ आपको डाइकोमियो को रखना है, मिक्स नहीं करने हैं। मतलब हमें ऐसे सिस्टम के साथ रेकी को करना है, अपने जीवन के अंदर ऐसे सिस्टम के साथ रेकी को उतारना है कि लो जी अभी क्वेश्चन आ गया, देखो कि कोई पैसे ना दे रहा हो तो मैं कौन सा सिंबल दूं, आप उसको पैसे ही दे दो थोड़े और बोलो कि भाई अब तू खुश हो जा और मैं अपने रास्ते, और मैं अपने रास्ते, सिंबल देने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि तो ऐसे सिस्टम के अंदर जब आप रहेंगे ना, कि जब आपके पास सिंबल कैटेगराइज हैं और आपको पता है कि मुझे करना क्या है, तो आपकी रेकी के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, नहीं तो आपका रेशो खराब होगा। याद रखिएगा एक बात, 50 क्लाइंट मेरे पास हेल्थ के लिए हैं और 50 क्लाइंट मेरे पास क्या बोलते हैं उसको, इमोशन या मनी प्रॉब्लम या दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए हैं, तो मैं 50 क्लाइंट्स के ऊपर जब ईमानदारी से हीलिंग करूंगा, ईमानदारी से, तो मैं पाऊंगा मेरा रिजल्ट 100% है, ठीक है। और जब मैं दूसरे 50 पे करूंगा काम, तो मेरा रिजल्ट 60 से 70% होगा, और अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगा तो मेरा सारा ही रिजल्ट खराब हो जाएगा। मतलब आपका हेल्थ वाला रिजल्ट भी खराब हो गया और आपका भौतिक वर्ल्ड के लिए जो आप काम कर रहे थे उसका भी रिजल्ट काम आ गया। ध्यान से समझिएगा, हम सब एनर्जी, वी आर मेड बाई एनर्जीज, हम एनर्जी से बने हुए हैं। तो इसकी जो फर्स्ट, जो पहली प्रायोरिटी है रेकी की, दैट इज ए हेल्थ ओनली, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ है, बाकी सारी चीजों को आप इसमें सेकेंडरी मान के चलिएगा। और डाइकोमियो के सिंबल के बड़े मिनिमम यूज हैं, और कहीं जगह पे सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही सिंबल है, दूसरा कोई सिंबल भी नहीं है,
या इसके अलावा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप अपने मेथड से काम करना शुरू करेंगे तो आपका इमोशन मिक्स करके आप अपनी रेटिंग खराब नहीं करेंगे एज ए हीलर। ऐसा नहीं है कि आप हीलिंग करते जाएंगे और लोगों का भला करते जाएंगे और आपका रिकॉर्ड नहीं देखा जाएगा। रिकॉर्ड तब भी देखा जाएगा कि आप कितने अच्छे लाइट वर्कर हैं, आपने कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी और कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। आप अपनी तरफ से बेशक अच्छा कर रहे होंगे लेकिन उस अच्छे की डेफिनेशन भी बहुत सारी होंगी। तो डोंट थिंक कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसके ऊपर कोई नजर नहीं होगी। यूनिवर्स एंड आकाश इज वॉचिंग यू एवरी टाइम। ठीक है जी, हमेशा आपको मतलब देख रहे होंगे कि आप कहाँ कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। एंड अब एक समझते हैं मेजर चीज। मैंने आपको समझाया कि पक्षियों की भाषा, सिक्स सेंस के जीव जंतुओं की भाषा विदाउट आईज, अपने विजन को क्लियर कर लेना एंड वी कैन से कि डिफरेंट डायमेंशन से कनेक्टेड हो जाना एंड स्लीप पैरालिसिस जैसी घटनाएं आपके इस सिंबल के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसको कि आप बहुत आसानी से वो कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं सिंबल के साथ। तो अब जब आप आपके साथ ऐसे कोई भी अनुभव हो तो आपको घबराना नहीं। और पूर्णमासी पे आप इसके मेडिटेशन को, अमावस पे बहुत सारी पूर्णमासी आएंगी, बहुत सारे अमावस आएंगे, इन मेडिटेशंस को ट्राई जरूर कीजिए, जिससे कि आपका इनर और आउटर, ठीक है, अब आप सेंटर हैं, आपके हाथ अब कानून से भी लंबे हैं, मतलब आप जमीन के नीचे क्या चल रहा है अपने हाथ पे लगा के हाथ से मतलब ऑब्जर्व कर सकते हो कि जमीन के नीचे क्या चल रहा है और ऊपर क्या घट रहा है, उस चीज के ऊपर भी आपकी पूरी चेतनाएं आपके साथ कनेक्टेड है। तो दोनों चीजें आपके साथ प्रॉपर तरीके से जुड़ी हुई हैं। ठीक है जी, तो अब आपको जो करना है, ठीक है जी, वो बहुत सोच समझ के करना है। यू आर नॉट हीलर ओनली, यू आर ए लाइट वर्कर एंड गुरु टू, मतलब आप आगे बहुत सारे हीलर्स को तैयार भी करने वाले हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो आप गुरु भी हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे उठा ली हैं अपनी लाइफ के अंदर इस टाइम पे एज ए हीलर। तो अब जो कुछ करना है वो बहुत कुछ मतलब आपको सोच समझ के करना है। इसीलिए बताया जाता है कि जब आप हीलर बनते हैं तो हीलर होने के सारे प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना है, मतलब नॉट इवन सिंगल प्रोटोकॉल जिसको आप फॉलो ना, ऐसा कोई एक भी प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए जिसको आप फॉलो ना करें, हर एक प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना है। हाँ जी, घर ऐसा है जी, मेरे बताने से आप जीव जंतुओं के व्यवहार को नोटिस नहीं कर पाएंगे, सबके लिए सब चीजों के मीनिंग अलग होते हैं। ठीक है जी, तो आपको अपने अनुभव अपने लिए तैयार करने हैं, मेरे अनुभव मेरे लिए हैं और किसी तीसरे के अनुभव किसी तीसरे के लिए होंगे। और मेडिटेशन, आप चंद्रमा की रोशनी बोल रहा हूँ तो यस एग्जैक्टली कमरे के अंदर चंद्रमा की रोशनी सबके नहीं आती होगी, तो हमें छत पे या कहीं खुले स्थान पे ही मेडिटेशन करना पड़ेगा, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, कल की क्लास में हुई एक मिस्टेक को क्लियर करते हैं। ठीक है जी, कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज गलत बताई जिसको आज किसी ने मुझे करेक्ट किया, तो मैंने उनको बोला कि जी मुझे करेक्ट मत कीजिए, खाली मुझे करेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, पूरी क्लास को ही करेक्ट कर दीजिए। और अगर ऐसा है, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो मैंने बोला ये आपकी फील्ड है तो आप पूरी क्लास को ही करेक्ट कर दीजिए। तो ऐसे मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप पूरी क्लास को उस चीज के बारे में बता दीजिएगा ताकि किसी का सबकॉन्शियस माइंड गलत इवेंट को ना ले। तो मैं डॉक्टर रूप मैडम को इनवाइट करना चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए जो मिस्टेक हुई है हमारे शब्दों में वो उसको क्लियर करें जो उन्होंने पकड़ी। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस मिस्टेक को उस गहराई से पकड़ा जिससे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सारे तो नहीं पर एक बंदा तो है जो पूरी बात सुनता है क्लास के अंदर, मतलब 100% शब्दों पर ध्यान देता है। दूसरी चीज कि अच्छा लगा कि जब आप लोग इतने ध्यान से किसी भी चीज को पकड़ेंगे तो मेरा भी गलती करने का चांस नहीं है और हो सकता है कि मेरे शब्दों का असर आपके ऊपर हो, आज नहीं तो कल आपसे कोई गलती हो जाए, वो गलती भी ना हो। तो मैडम जी, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले रहा हूँ और मैं विनती करना चाहूंगा कि आप सभी आदरणीय सदस्यों को बताइए कि क्या बदलाव होना चाहिए। थैंक यू सर, दिस वॉज ओनली आई वॉन्टेड टू लर्न फ्रॉम यू ऑल्सो। आई डिडंट नो वेदर आई वॉज राइट और वेदर दिस व्हाट यू वर टीचिंग वॉज राइट। सो जस्ट टू क्लियर द कन्फ्यूजन, देर वॉज अ वर्ड
mentioned as a muscular dystrophy. एक सेकंड मैडम जी, अपनी क्लास में ना हिंदी वाले ज्यादा हैं, तो मेरी विनती रहेगी कि अगर आप कोशिश कर सके और हिंदी दे, वो आ भी गए हैं, मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं, कि अगर आप ज्यादा हिंदी में बोल पाए तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा. I will try sir, my Hindi is not good, I will try. Okay. अच्छा सर ने कुछ बोला था लाइक a word like muscle dyslexia. Muscle dyslexia. Dyslexia is actually related to learning disability. So yes. It was a slip of tongue by sir, and it was muscular dystrophy. Dystrophy yes. is the atrophy of muscle mass and its strength. Muscle becomes weak, and the size of the muscle also becomes weak. That is what sir was mentioning about. And I wanted to clear it myself also. Thank you, sir, for the opportunity and थैंक यू मैडम जी गलती पकड़ने के लिए. आप पहले हैं और मेरे को बड़ी खुशी हुई है. बस इस बात की खुशी नहीं है कि आपने गलती पकड़ी है, इस बात की खुशी हुई है कि कोई तो है जो सीरियसली क्लास को सुन रहा है. थैंक यू सो मच जी. थैंक यू. ओके जी, तो अब हम क्लास में एक नई चीज शुरू कर रहे हैं. गलती पकड़ने वालों को इनाम दिया जाएगा. जो भी मेरी मिस्टेक पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा. या तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, आसानी से एक्सेप्ट कर लेता हूं मैं अपनी गलती, और अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा तो आपको इनाम मिलेगा, और मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मैं करेक्ट जरूर करूंगा. इससे क्या होगा कि हम सबके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टेब्लिश्ड होगा, और फ्यूचर में ऐसे जैसे कल मेरे मुंह से गलत शब्द निकला, ऐसे शब्द नहीं आएंगे. और हम इन चीजों का ध्यान रखते हुए, मतलब आज मैंने बोला तो कल उमाशंकर जी भी बोल देंगे किसी को, परसों योगेश जी भी बोल देंगे कि सर जी ने बोला तो सही बोला होगा. ऐसा नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ और आप सब भी सीख रहे हैं, हम सब एक दूसरे से भी सीख रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हमें चीजों को करेक्ट करके चलने की जरूरत है. ओके जी, तो आज के लिए क्लास में इतना ही कि हमने डाइकोमियो को बहुत ब्रीफ में समझा. कल हमने डाइकोमियो के हेल्थ बेनिफिट समझे थे, और ये सिंबल हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है इस बात को समझा था. आज हमने इसकी स्पिरिचुअलिटी के अंदर क्या वैल्यू है, अध्यात्म के अंदर इसकी क्या वैल्यू है, अध्यात्म में हमारे कद को कितना बड़ा करता है, इस बात को समझा. कल हम पढ़ेंगे हनुमान जयंती पर विशेष कुछ. ठीक है जी, कल हम हनुमान जयंती के ऊपर एक स्पेशल क्लास करेंगे. और हनुमान इज ए गॉड प्लस हनुमान इज ए कॉन्शियस टू, मतलब एक सोच भी है, एक विचारधारा भी है, और हनुमान एक पावर भी है. तो कल हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, और मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन जानकारी और मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइव डेमो करेंगे कल. हम एक लाइव डेमो, मतलब जो व्यक्ति जहाँ बैठा है वो वहीं बैठ के एक्सपेरिमेंट करेगा, और उस लाइव डेमो में मैं श्योर हूँ कि अगर हम 1000 लोग होंगे तो 1000 में से 900 लोग उस लाइव डेमो का मजा ले रहे होंगे. मतलब बहुत अद्भुत आपको अनुभव होगा, मतलब आप अपने भीतर के हनुमान को महसूस कर पाएंगे. जो हनुमान आपके भीतर है आप उस शक्ति को महसूस कर पाएंगे. एंड दैट क्लास इज रिलेटेड टू योर माइंड पावर टू, मतलब आपने माइंड पावर का एक लाइव डेमो भी अपनी आंखों से कल देख पाएंगे, जिसके बाद की बहुत सारी चीजों के इलाज आप स्वयं से करने लग जाएंगे. और जैसे कि आप हीलर हैं, तो हीलर के पास मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे केमिस्ट की दुकान और डॉक्टर की दुकान में बड़ा फर्क होता है. डॉक्टर सिर्फ एडवाइस देता है और दवाई लिख के देता है, और केमिस्ट की दुकान दवाइयों से भरी पड़ी रहती है. तो एक हीलर के पास बहुत सारी मॉडेलिटी होनी चाहिए जब वो किसी का इलाज करता है. तो मतलब आप, हो सकता है रेकी सबके लिए ना हो, तो आपके पास अदर मॉडेलिटीज भी होनी चाहिए कि आप किसी व्यक्ति को कैसे बहुत ज्यादा स्वस्थ कर सकते हैं. तो उन सारी मॉडेलिटीज के लिए हम बीच बीच में ऐसी ऐसी क्लासेस लेके आते रहेंगे, जिससे कि आप अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकें और समाज को स्वस्थ करने में, लोगों को मेंटल हेल्थ देने में हमारी मदद कर सकें. तो आज के लिए क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें. ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और अध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है. और सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा कि कल अपने साथ क्लास के अंदर 5-5 10-10 लोगों को जरूर लेके आए. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.